नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम तबले का पैच सीखने वाले हैं, उसकी एडिटिंग और उसकी प्लेइंग में उसके दादा ताल के साथ कैसे प्ले करना है और कहरवा ताल कैसे प्ले करनी है, वो सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट बोल पे हम नहीं जाएंगे, हम अकॉर्डिंगली फिल पे जाएंगे। ठीक है, कि उसको भरा ताल के अंदर रहते हुए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया था, कहाँ पे मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट असाइन किया है। किक के साथ में क्रैश, इलेक्ट्रिक टॉम, यहाँ पे स्लाइड पॉट रखा है और प्लस में ना रखा है तबले का ना, इधर भी क्लैप के साथ, दरबुगा के साथ में मैंने यहाँ पे सगाट रखा है ओपन, यहाँ पे तुन, यहाँ पे ना, यहाँ पे किक के साथ में ना। ठीक है, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट असाइन। अभी बात करते हैं दादरा ताल की। दादर ताल में 6 मात्रा होती है। ठीक है, और इसमें बोल जो होते हैं धा धिन्ना धा तिन्ना होता है। ठीक है, तो 6 बीट हमें प्ले करनी है, धा धिन्ना धा तिन्ना। ठीक है, एग्जैक्ट बोल नहीं है, बस आपको काउंटिंग में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और सुनने में अच्छा लगे, धा धिन्ना धा तिन्ना, 1 2 3 4 5 सीखते हैं कहरवा। तो कहरवा के अंदर क्या करना है, जैसे कि हमने दादरा के अंदर 6 मात्रा होती है, हमें पता है, और 6 हमने हिट किए, 6 ही काउंट किए। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मात्रा भी कंप्लीट हो गई और 6 हिट हमने किए। ठीक है, हर एक मतलब काउंट के लिए हर एक अलग हिट किया। ठीक है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। ठीक है, ऐसा किया। अभी कहरवा के अंदर क्या करना है कि हम काउंट 8 लेंगे और हिट 6 ही करेंगे। ठीक है, काउंट 8 लेंगे और हिट 6 करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1 2 2 को प्ले नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 3 को प्ले करेंगे, 1 2 3 4 5, 6 को प्ले नहीं करेंगे, 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर इसको हम मात्रा के अकॉर्डिंग बोले तो धागे ना ती नक धीना, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम काउंट कर पा रहे हैं कि जो हिट कर रहा हूं मैं वो 6 ही टाइम कर रहा हूं, बट काउंटिंग जो आ रही है वो 8 की आ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस यही फर्क है, यही डिफरेंस है दादरा और कहरवा को प्ले करने के लिए। बस लोग दादरा को मिक्स कर देते हैं कहरवा में और कहरवा को मिक्स कर देते हैं दादरा में, तो ये फर्क आप माइंड में रखें। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, 6 मात्रा होती है। ठीक है, और प्लेइंग के स्टाइल और भी हो सकते हैं, बट काउंट का स्टाइल ये रहेगा इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं वापस रिमाइंड कर देता हूँ दोनों चीज, दादरा के अंदर 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और हमारे उसके अंदर कहरवा के अंदर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक और वेरिएशन सीखेंगे कहरवा ताल के अंदर, जिसमें हम इसको ऐड करेंगे एक बारी। ठीक है, सिंगल टाइम, और एक बार इसको भी डबल करेंगे, जैसे कि हम ये प्ले कर रहे हैं। अब यहां पे इतना करके यहीं पे करेंगे सीधा, मतलब कि 1 हमने ये काउंट किया था, 1 इसको ना काउंट करके इसी को 1 करेंगे और इसी को 4 काउंट करेंगे। ठीक है, पहले हमने किया था ये, क्या करेंगे यहां से शुरुआत कर देंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी एडिटिंग भी। तो भी कैमरा जो है डिस्प्ले पे आ चुका है और जल्दी से देख लेते हैं एडिटिंग।
सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की कि मैंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट असाइन किए हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए बैंक में क्रैश, बी बैंक में किक 909, किक 1। ठीक है, यहाँ पे दोनों बैंक के अंदर सेम है इंस्ट्रूमेंट। ए बैंक में 3 नंबर पैड पे 3 है, बी बैंक में पॉड डी शॉर्ट है। 4 नंबर पैड पे 3 है ए बैंक में, बी बैंक में क्लैप है H808। ठीक है, 5 नंबर पैड पे सैकाट ओपन दरभुगा, बी बैंक में दरभुगा तक। 6 नंबर पैड पे तबला तुन दोनों बैंक के अंदर। 7 नंबर पैड पे तबला 3 है ए बैंक में, बी बैंक में हैवी एचएच है। ठीक है, और 8 नंबर पैड पे तबला 3 ए बैंक में और बी बैंक में 909 किक 3 है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की। तो पैरामीटर्स में देखिए सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की, तो सारे पैड का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, सारे पैड में बिल्कुल 127 आपको वॉल्यूम रखना है दोनों बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये हो हमारा वॉल्यूम। अब बात करते हैं इसके आगे, कर्व सबका लीनियर रखना है, सबका फिक्स रखना है। ठीक है, और फिक्स वैल्यू 127 है सबकी। ठीक है, टेबल 8 नंबर पैड पे, नहीं सबकी सबकी सेम है। ठीक है, ओके, तो ये सबकी सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पैड मिनिमम, ये पैड वॉल्यूम मिनिमम टेबल 5 नंबर पैड पे मैंने रखा है 15, वो सबसे जीरो है। ठीक है, दोनों बैंक का सबसे जीरो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले पैरामीटर्स की, तो वो है पिच। ठीक है, तो ये हमारा मेन बैंक है, इसमें कुछ नहीं है। पैड नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बी में हमारे 2 है -2 बैंक का पिच। अब इधर पैड नंबर 2 पे दोनों बैंक की ट्यूनिंग सेम है। ठीक है, कोरस ट्यून दोनों का +3 रखा है दोनों बैंक के अंदर। और 3 नंबर पे 7 रखा है दूसरे बैंक में, पहले बैंक में 0 है। ठीक है, 4 नंबर पैड पे 7 रखा है दूसरे बैंक में, पहले बैंक में 0 है। 5 नंबर पैड पे 6 रखा है पहले बैंक में और दूसरे बैंक में -4 है। उसके बाद 6 नंबर पैड पे पहले बैंक के अंदर 5 है, दूसरे बैंक के अंदर भी 5 है। 7 नंबर पैड पे 7 है और दूसरे बैंक के अंदर 7 है। 8 नंबर पैड पे पहले बैंक में 0 है, दूसरे बैंक में 7 है। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूनिंग हुई। अब इसके बाद फाइन ट्यून की बात करते हैं। फाइन ट्यून पहले पैड पे 0 है दोनों बैंक के अंदर, दूसरे पैड पे 50 है दूसरे बैंक में, दोनों बैंक में 50 है। ठीक है, पैड नंबर 3 पे पहले बैंक में 50 प्लस करके और दूसरे बैंक में 0। 4 नंबर पैड पे पहले बैंक में -50 दूसरे बैंक में 0। 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे कुछ नहीं है, 7 पे कुछ नहीं है, 8 पे कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोनों बैंक का, इसके बाद और क्या, अब बात करते हैं डिले की। ठीक है, तो डिले ए बैंक में पैड नंबर 1 पे 100 रखा है मैंने। ठीक है, बी में 50, पैड नंबर 2 पे डिले 20 है ए बैंक में, डी बैंक में 50, 3 पे दोनों में फुल है 100। ठीक है, 4 नंबर पैड पे दोनों बैंक में फुल है 100। 5 नंबर पैड में पहले बैंक में 100 है दूसरे बैंक में 50, और 6 नंबर पैड पे पहले बैंक में 100 है दूसरे बैंक में 50, 7 नंबर पे पहले बैंक में 100 दूसरे बैंक में 50, 8 नंबर पे पहले बैंक में 100 दूसरे बैंक में 200। ठीक है, तो ये गाइज ये कुछ पैच की एडिटिंग थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ में आ चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ जल्दी से। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।